तो अगर आप भी फेसबुक पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपका 5000 फॉलोअर्स और आपका 60000 मिनट व्यू जो कि कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपका जो कि 5000 फॉलोअर्स और आपका 60000 मिनट व्यूज़ को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज मैं आपको ऐसा 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पॉइंट को आप फॉलो करके अपना 5000 फॉलोअर्स और आपका 60000 मिनट व्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। उनमें से मैं आपको एक लास्ट में बोनस टिप्स देने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप जो है कि अपना फॉलोअर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो आपको अर्निंग करने में मदद करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप वाकई में अपना 5000 फॉलोअर्स और 60000 मिनट व्यूज वॉच टाइम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और 4 पॉइंट 5 पॉइंट को आप समझ कर जाना, क्योंकि आपका कौन सी पॉइंट आपके काम में आ जाए मेरे को भी पता नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आपने 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके पेज पर तभी फॉलोअर्स आएंगे जब आपका पेज जो है प्रोफेशनल पेज होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आपको एक प्रोफेशनल पेज बनाना होगा प्रोफेशनल तरीके से, और आपका प्रोफेशनल रहेगा आपका पेज। तो अगर आपको प्रोफेशनल पेज बनाना नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, और साथ साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रोफेशनल पेज नहीं बनाते हैं तो आपका पेज पर अगर कोई भी आता है तो आपका पेज को इग्नोर करेगा, क्योंकि आपका ना ही सेटिंग अच्छा लगेगा उन्हें, ना ही आपका पेज को उसका दिखने में अच्छा लगेगा। तो क्या करेगा वो, जो है कि आपका पेज को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एक प्रोफेशनल पेज बनाना होगा। इसके ऊपर वीडियो है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप जब पेज बना लेते हैं, पेज बनाने के बाद आपको अपने पेज पर 4 से 5 ऐसा वीडियोस अपलोड करना है, 4 से 5 वीडियो अपलोड करना है। अब इससे क्या होगा, आपका वीडियो हो सकता है या फिर कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिल्टर करना होगा। आपको ये चीज़ देखना होगा कि इससे पहले किसी ने फेसबुक पर अपलोड तो नहीं किया हो। अब कॉपी पेस्ट करेंगे कैसे, मैंने इस पर वीडियो बना के रखे हैं, आप बहुत सारा वीडियो में बताते भी रहता हूँ कि आपको फिल्टर कैसे करना है। आपको यूट्यूब पर जाना है और देखना है जिस भी चैनल का आप वीडियो उठा रहे हैं, आपको ये चीज़ देखना होगा कि उसका कोई फेसबुक पेज है कि नहीं। अगर उसका फेसबुक पेज नहीं है तो आप उसका वीडियो उठाकर आप डाल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम खुद का वीडियो डालेंगे 4 से 5, तो आप खुद का 4 से 5 वीडियो डाल दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। अब 4 से 5 वीडियो अपलोड करने के बाद उस पेज को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब उस पर आप कोई भी काम मत करो, उस पेज को छोड़ दो। 10 से 15 दिन के बाद जो कि फिर से आप उस पेज पर काम करना शुरू करो। आप 10 से 15 दिन के लिए अगर आपने पेज को छोड़ देते हैं तो आपका पेज का रीच जो कि आपका अच्छा हो जाता है। तो आप क्या करो, 4 से 5 वीडियो अपलोड करो, हो सके तो खुद का अपलोड करो, ये सबसे बेहतर रहते हैं। और उसके बाद 10 से 15 दिन के लिए अपना पेज को छोड़ देना, उस पर ना ही कोई फोटो अपलोड करोगे, ना ही कोई वीडियो अपलोड करोगे, ना ही कोई रील्स अपलोड करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, पेज को छोड़ दो वहीं पर। अब तीसरा आपको करना क्या है, जब अपना वीडियो को अपलोड करना शुरू करोगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका वीडियो अच्छे से अपलोड होना चाहिए। देखो यार, ऐसे ही उल्टा सीधा तरीके से अपलोड कर दोगे तो आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आपको सही तरीके से अपना वीडियो को अपलोड करना है। इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखे कि आप क्रोम ब्राउजर से एकदम परफेक्ट तरीके से अपना वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ से अपना वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो पर रीच ज़्यादा आएगा, मैं आपको गारंटेड के साथ बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अपलोड करना नहीं आता है सही तरीके से तो आप ये वीडियो भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आप किस तरीके से फेसबुक पर सही तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो पर एकदम पूरा परफेक्ट तरीके से बता कर रखे हैं कि आपको किस तरीके से फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना है। अगर आपने उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगा आपका वीडियो अपलोड को लेकर, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया कि आपको किस तरीके से अपना वीडियो को अपलोड करना है फेसबुक पर, ताकि आपके वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। तो आप उस वीडियो को देखकर भी आप सीख सकते हैं किस तरीके से आपको फेसबुक पर वीडियो अपलोड करना है। तो आपको ध्यान रहे कि आपका टाइटल कैची होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन कैची होना चाहिए, क्योंकि टाइटल सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्यों जानते हैं कि टाइटल में क्या होता है, अगर आपका टाइटल अच्छा होता है तो बहुत इजीली आपकी वीडियो पर क्लिक कर देता है, वीडियो में भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर आपका टाइटल अच्छा होता है तो टाइटल देख के बहुत कोई जो कि आपका वीडियो पर क्लिक कर देता है। आपने ये चीज तो नोटिस किया होगा, बहुत सारा मूवी क्लिप अपलोड करता है तो उसमें ऐसा टाइटल ही कुछ ऐसा दिया जाता है, लोग मजबूर हो जाता है उस वीडियो में क्लिक करने में। तो आपको टाइटल कुछ ऐसा लिखना है ताकि लोग मजबूर हो जाए उस वीडियो पर क्लिक करने में। अरे पूरा वीडियो को देखे या ना देखे, लेकिन आपका वीडियो पर क्लिक तो करेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको टाइटल को जबरदस्त देना है, और अब बाकी चीज तो मैंने उस वीडियो पर बता के रखे, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लेना।
तो अगर आपने ये तीन चीज कर लिया तो आपको चार नंबर चीज आपको करना जरूरी है। अगर आपने अच्छे से वीडियो को अपलोड कर दिया, अब अपलोड कर देने के बाद आपका पेज पर तो फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपका वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना है आपकी खुद की प्रोफाइल से। इसमें क्या होता है, आपका प्रोफाइल में क्या होता है, कम से कम 2000-4000 फ्रेंड्स रहता है। अब अगर आपने क्या करते हैं, अपना पेज का वीडियो को अपनी खुद की प्रोफाइल से शेयर करोगे तो आपका जितने सारे फ्रेंड है सारे का सारे फ्रेंड के सामने आपका वीडियो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको खुद की प्रोफाइल से अपना वीडियो को शेयर कर देना है ताकि जो कि लोगों के सामने वीडियो जाए। अरे भाई, क्लिक करे या ना करे, आप अपने वीडियो को लोगों के सामने तो सबसे पहले भेजो, लोगों के सामने जाते रहेगा, आज नहीं तो कल उस वीडियो पर आपको क्लिक करते रहेगा। अब क्लिक करेगा तो आपके वीडियो पर व्यू जाएगा, जब आपका वीडियो अच्छा लग जाएगा उन सबको तो आपको पेज को फॉलो भी कर लेगा। तो ये आसान चीज़ है आपको करना, अपने पेज पर फॉलोअर्स बढ़ाना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताया था कि आपको बोनस टिप्स देने वाला हूँ, लास्ट में बोनस टिप्स ये है कि अगर आपने कुछ इस तरीके से काम करते हैं, वीडियो अपलोड किया, अपने प्रोफाइल से शेयर किया, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब दिमाग में क्या लगाएंगे, जैसे कि आपने मूवी क्लिप अपलोड करते हैं अपने पेज पर, अब आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ फाइंड करना है आपका दोस्त में से ऐसा कितना लोग है जो कि मूवी क्लिप देखना पसंद करता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, इस तरीके से भी आपका वीडियो पर व्यूज आएगा। अब व्यूज जब अच्छा खासा आएगा, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होगा, तो आपका वीडियो जो कि ज़्यादा चलेगा। आपके मोबाइल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब जितने सारे कॉन्टैक्ट है, वो सारे को आपको जो कि सेंड नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। जो लोग मूवी क्लिप देखना पसंद करते हैं एक्चुअली में, और आजकल ज़्यादातर लोग जो कि मूवी क्लिप देखना पसंद करते हैं, तो अगर आपका मूवी क्लिप होता है तो आप अपने दोस्त को आप जो कि व्हाट्सअप पर ब्रॉडकास्ट बना के शेयर करो, सबको शेयर कर दो। अब शेयर करोगे तो 50 में से आपका 10 लोग देखेगा। अब 10 लोग अगर अच्छे से उस वीडियो को देखता है तो उस वीडियो का रिटेंशन जो कि अच्छा होता है। अब रिटेंशन अच्छा होने से आपका वीडियो का जो कि रीच बढ़ेगा तो व्यूज आएगा, व्यूज आएगा तो आपका फॉलोअर्स भी बढ़ेगा। अब आपको और एक चीज़ करना है, आप ज़्यादातर वीडियोज को देखेंगे, ज़्यादातर मूवीज़ को देखेंगे, तो शेयर का ज़्यादा रोल होता है एक वीडियो को वायरल करने में या फिर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने में। तो आपको करना क्या है, आपको जो कि जितने सारे आपका दोस्त है हर एक का मोबाइल ले लो, जाने के बाद मोबाइल ले लो और उस वीडियो को शेयर मार दो, लाल मोबाइल ले लो और शेयर मार दो। देखो यार, थोड़ा सा मेहनत करना होगा पहले, आप ऐसा खुद मत सोचो कि हम अकेला ही सब कुछ करेंगे, अकेला ही सब कुछ नहीं होता है, शेयर का बहुत बड़ा हाथ होता है एक वीडियो को वायरल करने में। अब आपका जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक आपके वीडियो पर जो कि आपका पेज पर जो कि फॉलोअर्स भी नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो कि वीडियो अपलोड कर देने के बाद अपनी फ्रेंड का मोबाइल ले लो, थोड़ा सा भाई मोबाइल तो दे दे, तो थोड़ा सा ले लेते, अब लेने के बाद उसको शेयर कर दो। कुछ इस तरीके से नया नया पेज पर जो कि फॉलोअर्स गेंद किया जाता है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना बनता है। अगर आपने कुछ इस तरीके से काम करते हैं तो गारंटेड के साथ आपका जो कि 5 दिन 7 दिन या फिर 1 महीने के अंदर आपका जो कि 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपका 60000 मिनट व्यूज भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो एक बार ट्राई करके तो देखो, ट्राई करके देख लेना, फिर मेरे को बता देना। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिस तरीके से मैं आपको ये सारे चीज़ बताया, इस सारे चीज़ पर आप अमल करते रहना, काम करते रहना, देखिएगा आपका भी आपका 5000 फॉलोअर्स और आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।